राफेल घोटाले में रंगे हाथों पकड़े जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी अब घबराई हुई है। घबराकर भारतीय जनता पार्टी अब फ्रस्ट्रेशन में उलझुल बयानबाजी, बेतुका बातें और नाच ना जाने आंगन टेढ़ा वाली बात कर रहे हैं। जब भ्रष्टाचार रंगे हाथों पकड़ा गया, जब विजय माल्या वित्त मंत्री को मिलकर भाग जाए, जब नीरव मोदी देश का पैसा लेकर भाग जाए, जब मेहुल चौकसी देश का पैसा लेकर भाग जाए, हर बार जब घोटाले में भारतीय जनता पार्टी की सरकार फंसती है तो फिर उन्हें अपने बचाव के लिए पाकिस्तान याद आता है। हमारे प्रधानमंत्री जी से सीधे सवाल है। पहला सवाल, पाकिस्तान प्रेम तब नहीं जागा था जब मोदी जी आप साड़ी और शॉल नवाज शरीफ जी के साथ मेहमान नवाजी में बांट रहे थे? मोदी सरकार का पाकिस्तान प्रेम तब नहीं जागा था जब बगैर बुलाए मेहमान की तरह देश के प्रधानमंत्री मोदी दावत खाने पाकिस्तान गए और पाकिस्तान ने उल्टा उग्रवादियों से पठानकोट एयरबेस पे हमला करवाया? क्या मोदी जी आपका पाकिस्तान प्रेम तब नहीं जागा था जब कुख्यात बदनाम ISI जो आए दिन हिंदुस्तान में उग्रवाद फैलाती है, उस ISI को मोदी जी और अमित शाह जी मेहमान बनाकर पठानकोट एयरबेस की जांच के लिए लेकर आए और उल्टा ISI ने जाकर ये कहा कि हमने अपने सैनिकों की हत्या की है? क्या आपका पाकिस्तान प्रेम उस दिन नहीं जागा था जब आप गुपचुप वार्ता करते हैं, वो हमारे सैनिकों का गला उतारते हैं, मनदीप के सैनिक के शव को शत विषप्त करते हैं, नरेंद्र सिंह की आंखें निकाल लेते हैं, टांग काट देते हैं, गला रेत देते हैं और मोदी जी चुप रहते हैं? क्या आपका पाकिस्तान प्रेम उस दिन नहीं जागा था जब PDP और BJP की सरकार आपने जम्मू कश्मीर में बनाई और PDP के मुख्यमंत्री ने हमारी सेना और जम्मू कश्मीर के लोगों का धन्यवाद करने की बजाय अलगाववादियों और पाकिस्तान का धन्यवाद किया था? मोदी जी, क्या आपका उस दिन पाकिस्तान प्रेम नहीं जागा था जब आपके उप मुख्यमंत्री जम्मू एंड कश्मीर निर्मल सिंह जी ने सार्वजनिक तौर से ये कहा कि हमारी सेना बुरहान वानी को एनकाउंटर में खत्म ना करती अगर उन्हें ये पता होता कि अंदर बुरहान वानी है? क्या आपका पाकिस्तान प्रेम उस दिन नहीं जागा था जब आपने मसरत आलम और साहिबा अंदराबी, उनको पोस्टर गर्ल बनाया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की? क्या उस दिन आपका पाकिस्तान प्रेम नहीं जागा था जब मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की IT सेल के लोग ISI के दलाल और सेना की जासूसी करते पकड़े गए? सच्चाई ये है कि आए दिन जो हमारे सैनिक वीर गति को प्राप्त हो रहे हैं, नागरिकों पर हमला हो रहा है, वो एक ऐसी कमजोर सरकार मोदी जी की सरकार है जिसने पाकिस्तान के आगे घुटने टेक रखे हैं। कहाँ गया 56 इंच का सीना? कहाँ गई वो लाल आंख? कहाँ गया एक के बदले 10 सिर लाने का वादा? इसलिए मुद्दों को भटकाइए मत, ये जवाब दीजिए, राफेल की चोरी कैसे हुई, की किसने और पैसा गया कहां? धन्यवाद। गवर्नमेंट इज आल्सो सेइंग दैट दे आर अफ्रेड ऑफ डैमेज ऑफ द रिलेशन विद द इंडियन गवर्नमेंट। कैन यू प्लीज सिट डाउन बिकॉज़ इफ यू कीप स्टैंडिंग। नो प्रॉब्लम। Faced with rampant corruption that has been exposed in the Rafael scam, Modi government, an unnerved, frustrated and worried Modi government is now seeking shelter of Pakistan to deflect attention of the country. Every time the demonetization disaster happens and people suffer, Modi ji remembers Pakistan. Every time a Mehul Choksi or Chota Modi, Nirav Modi runs away with India's money,
Modi government remembers Pakistan. Every time a bank scam happens where government is guilty, Modi government remembers Pakistan. Now that Rafael scam has exposed rampant corruption, Modi government is again seeking shelter behind the bogey of Pakistan. Please answer questions to the nation, for nation seeks accountability from you, Mr. Prime Minister. We want to ask certain questions of the PM. Was your love for Pakistan not apparent when you were indulging in sari shawl diplomacy as Pakistan was doing ceasefire violations and killing our soldiers? When was it not your love for Pakistan, Modi ji, when you had gone to Pakistan as an uninvited guest to feast along with Nawaz Sharif and Pakistan attacked our Pathankot Air Force base back? Was it not your love for Pakistan, Modi ji and Amit Shah ji, when you invited the dreaded ISI, which is the harbinger protector of terrorists which come to India every day from Pak soil, when you invited the same dreaded ISI to investigate the Pathankot Air Base attack, and the same ISI went back and accused India of killing its own soldiers? Was it your love for Pakistan, Modi ji, when you formed a government in Jammu and Kashmir with PDP, and in presence of our Prime Minister, the PDP Chief Minister thanked not people of India or JNK, not the Indian Army or Election Commission, but they thanked Pakistan and the separatists? Was it your love for Pakistan, Modi ji and Amit Shah ji, when the IT cell of Madhya Pradesh people were caught spying for the dreaded ISI onto our soldiers and our forces? Was it your love for Pakistan when your Deputy Chief Minister Nirmal Singh in JNK publicly said that Burhan Wani, the terrorist, would not have been killed by security forces had they known that the terrorist was inside? Was it your love for Pakistan when Modi government proceeded to appoint Asifa Andrabi as the poster girl for Beti Bachao, Beti Padhao? BJP is the same government which left dreaded terrorist in Kandahar, Afghanistan. So the connection of terrorism and terrorists to BJP is well known. Don't preach us lessons on nationalism. We have served this country with our own blood. The blood of this country, the history of this country is written with the blood of Mahatma Gandhi, Indira Gandhi, Rajiv Gandhi, Sardar Ben Singh, Nand Kumar Patel, and many, many others. Answer the questions, don't deflect. Thank you.